नमस्कार मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर मुंबई में भारी बारिश के बीच मध्य रेलवे की ट्रेनें वैसे भी देरी से चल रही है वहीं अब तकनीकी समस्या के चलते ट्रेनें पंद्रह मिनट की देरी से चल रही है दरअसल आज सुबह सायन और माटुंगा स्टेशन के बीच एक ओवरहेड तार पर बांस का एक ढांचा गिरने से मुंबई उपनगरीय नेटवर्क की मुख्य लाइन पर लोकल ट्रेन की सेवाएं ठप हो गई वहीं मोटरमैन द्वारा सही समय पर लोकल ट्रेन रोक देने से हादसा टल गया बता दें कि रेलवे लाइन से सटी एक इमारत के पास बना बास का ढांचा गिरने से यह हादसा हुआ करीब एक घंटे तक लोकल ट्रेन की सेवाएं बाधित रही जिससे दफ्तर जाने वाले और अन्य लोगों को काफी परेशानियां हुई विलंब के कारण कई यात्री रास्ते में खड़ी लोकल ट्रेन से उतर गए और अपनी जान खतरे में डालते हुए पटरियों पर पैदल चलना पसंद किया लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है सत्तर लाख से अधिक यात्री मध्य रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं वही हादसे के बाद रेल से जुड़े कर्मचारी के साथ ही अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे कर्मचारी ओवरहेड वायर की समस्या को दूर करने में जुटे हुए हैं रेलवे अधिकारियों ने किया दावा जल्द से जल्द समस्या को ठीक किया जाएगा